गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों विद्यार्थियों, आई एम अरविंद कुमार। स्टूडेंट्स, कल तक हमने ज्योग्राफी का पहला चैप्टर कंप्लीट किया। आज हम उसी क्रम में हिस्ट्री का पहला चैप्टर द मेडिवल पीरियड स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैंने इस चैप्टर के अपने नोट्स बनाए हैं, मैं उन नोट्स के अकॉर्डिंग आपको बताऊँगा। और बिना ज़्यादा समझने के लिए आप अपनी बुक्स में पढ़ें और समझने का प्रयास करें। स्टूडेंट्स, टुडे सेकेंड नंबर चैप्टर, चैप्टर नंबर फर्स्ट ऑफ हिस्ट्री क्या है? द मेडिवल पीरियड, मध्यकालीन युग। हमारे इतिहास को कई पीरियड से बांटा गया है। इसमें प्राचीन काल, उसके बाद सेकंड नंबर पीरियड के क्या कहा गया, मेडिवल पीरियड, मध्यकालीन युग। द मेडिवल पीरियड इज द पीरियड इन बिटवीन द एंशियंट एंड मॉडर्न पीरियड। प्राचीन और मध्यकाल के बीच के युग को मेडिवल पीरियड, मध्यकालीन युग कहा जाता है। मैनी चेंजेस टुक प्लेस आफ्टर द डाउनफॉल ऑफ मुगल एम्परर। मुगल एम्पायर के गिरने के बाद, डाउनफॉल होने के बाद बहुत सारे परिवर्तन आए। एंड ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम अ लीडिंग पावर इन इंडिया। और भारत में आकर के ईस्ट इंडिया कंपनी एक उभरती हुई शक्ति के रूप में बनी। मेडिवल पीरियड लास्टेड फॉर अबाउट 1000 ईयर्स। अब मेडिवल पीरियड का जो काल माना जाता है वो लगभग 1000 साल का माना जाता है। 700 से लेकर के 1750 एडी के बीच का जो पीरियड है वो मेडिवल पीरियड माना जाता है। फीचर्स ऑफ द मेडिवल पीरियड, मध्यकालीन युग की विशेषताएं। तो इट इज डिवाइडेड इनटू टू फेसेस। हमारे मेडिवल पीरियड को दो वर्गों में बांटा गया, अर्ली मेडिवल पीरियड एंड लेटर मेडिवल पीरियड। प्राचीन, मध्यकालीन युग और नवीन मध्यकालीन युग। प्राचीन मध्य, इट कवर्स द पीरियड बिटवीन 8th to 12th century। 8वीं से 12वीं शताब्दी के समय को अर्ली मेडिवल पीरियड के नाम से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज राजपूत किंगडम एंड चोल किंगडम्स। अच्छे राजपूत किंगडम्स और चोल किंगडम्स के नाम से भी अर्ली मेडिवल पीरियड को हम जानते हैं। उसके बाद में आता है लेटर मेडिवल पीरियड। इट कवर्स द पीरियड बिटवीन 13th to 18th century। 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी के बीच के समय को हम लेटर मेडिवल पीरियड के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत, ब्राह्मणी, विजयनगर किंगडम एंड मुगल एम्पायर आर द एग्जाम्पल्स ऑफ लेटर मेडिवल पीरियड। नाउ स्टूडेंट, वी विल नो अबाउट द सोर्सेज ऑफ मेडिवल पीरियड, मध्यकालीन युग के स्रोत। सोर्सेज ऑफ मेडिवल पीरियड आर डिवाइडेड इनटू टू सोर्सेज। सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल, जैसा मैंने बताया, पुरातत्व के हिसाब से मोनूमेंट्स, पुराने स्मारक, इमारतें, इंस्क्रिप्शन, शिलालेख, कॉइन्स, पेंटिंग्स, ये हमारे जो है मेडिवल पीरियड के बारे में जानकारी देने वाले स्रोत हैं। आप इसके बारे में विस्तार से बुक में पढ़ें। बुक में बहुत विस्तार से हर एक टॉपिक के बारे में दे रखा है और यहाँ पे मैं हर एक टॉपिक को विस्तार से आपको बता नहीं सकता हूँ। जैसे मॉन्यूमेंट्स, प्राचीन काल की इमारतें हैं, स्मारक हैं, ये बताते हैं कि मेडिवल पीरियड में लोगों किस तरह की मकानों में किस तरह की सोच रखते थे। शिलालेखों से जानकारी मिलती है, सिक्कों से जानकारी मिलती है, पेंटिंग से जानकारी मिलती है। और लिटरेरी स्रोत जो होता है वो रामायण, गीता, महाभारत, बाइबल, ये लिटरेरी स्रोत हैं, इनसे हमें मध्यकालीन युग के बारे में पता चलता है। विद्यार्थियों, आप यहाँ तक इसे ध्यान से पढ़ें। इसे समझने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप मुझसे बात करें। तब तक आप बेटा घर पर रहें, सुरक्षित रहें और अपने काम को रोजाना समय पर पूरा करने का प्रयास करें। स्कूल से बुक्स नहीं लाएँ तो बुक्स ले आएँ, और कोई स्कूल से आपके लिए गाइडलाइन आती है बेटा उसे आप पूरा करें, ताकि हम आपके आगे रोजाना दैनिक स्टडी में आपकी ठीक प्रकार से सहायता कर पाएँ। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।